क्रांति के वैज्ञानिक निर्माता थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया, वो भी मरणोपरांत। हम उसका स्वागत करते हैं। वो भारत रत्न थे, भारत रत्न है और भारत रत्न रहे। पर बात यह है कि जो सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, वही सरकार किसानों पर इतने अन्याय करती है। स्वामीनाथन फॉर्मूला किसान संगठनों की तीन या चार मुख्य मांग है, और सबसे बड़ी मांग यह है कि जो खेती की लागत का अनुमान किया जाता है वो स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूला पर किया जाए, और डेढ़ गुना खेती की लागत को एमएसपी घोषित किया जाए। एमएसपी की परिभाषा मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है, एमएसपी की परिभाषा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और डेढ़ गुना जो विस्तृत रूप से खेती की लागत अनुमान किया जाता है, स्वामीनाथन फॉर्मूला जिसे कहा जाता है, ये एक मांग है। दूसरी मांग है कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जहां खरीद निजी कंपनियों से होता है और निजी कंपनियां मार्केट में एमएसपी के कम दाम से खरीदते हैं किसानों से, तो इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, ये दूसरी मांग है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।